नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपसे बात करूंगी गुलाब के बारे में कि हम गुलाब के पौधे की मिट्टी कैसी बनाएं जो बिल्कुल परफेक्ट हो, जिसमें हम गुलाब के पौधे को लगाएं तो उस पर अच्छे फूल आएं, उसकी ग्रोथ अच्छी हो। तो दोस्तों, अब बहुत ही अच्छा मौसम चल रहा है गुलाब पर अच्छे फूल पाने का। तो अगर आपने गुलाब के पौधे लगाए हैं और उन पर अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है, फूल नहीं आ रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। अगर आपने ऐसी मिट्टी बना ली जैसी मैं आपको आज बता रही हूँ, तो पक्का आपके जो गुलाब के जो पौधे हैं जिनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, उनकी ग्रोथ आपको 15 दिन में ही बहुत अंतर दिखाई देगा और बहुत ही जल्दी उन पर फूल भी आएंगे। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पौधे की मिट्टी अच्छा होना। गुलाब का पौधा ऐसा पौधा है जिसको बहुत अच्छी मात्रा में फर्टिलाइज़र चाहिए बाकी सब पौधों के मुकाबले, क्योंकि अगर हमें इस पर ज़्यादा फूल चाहिए और अच्छे फूल चाहिए, बड़े फूल चाहिए, तो हमें इसको अच्छे से इसकी खाद पानी इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो बालकनी में गुलाब से फूल लेना एक बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, अगर आपने बालकनी में या फिर अपनी छत पर, अपने घर में, कहीं पर भी पौधे लगाए हैं गमले में, तो आप ऐसी मिट्टी बनाइए मैं आज आपको जो बता रही हूँ। मैं पक्का गारंटी लेती हूँ आपके गुलाब के पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तो मैंने ये कुछ अलग अलग चीज़ें ली हैं जो मैं आपको बताऊंगी क्या क्या आपको लेना है। सबसे पहले ये है मिट्टी। तो हमें सबसे ज़्यादा मिट्टी लेनी है अपने गमले के हिसाब से। मैं कोई इसका वो नहीं बताऊंगी, आप अंदाजे से देख लीजिए। ज़्यादा मिट्टी लेनी है हमें। तो मिट्टी आपके यहाँ की अगर ज़्यादा चिकनी है तो आप उसमें सैंड जो होता है, नदी वाला जो रेत होता है, वो मिला लें, और अगर कम चिकनी है तो थोड़ा कम मिला लें। कम ज़्यादा कर सकते हैं, रेत की मात्रा आप अपने हिसाब से। तो इसमें मेरे इस मिट्टी में पहले से ही थोड़ा रेत मिला हुआ है, तो इसमें मैं थोड़ा सा रेत मिलाऊंगी। और जो इसकी गांठ वगैरह है इनको फोड़ लें, ज़्यादा टाइट है तो उसको निकाल दें। दूसरी चीज़ है ये रेत है, तो थोड़ा सा मैं इसमें रेत मिला रही हूँ जिस हिसाब से मेरी मिट्टी है। थोड़ी ही मिट्टी थी, ज़्यादा मैं सिर्फ आपको बना के बता रही हूँ। तो आप अगर ज़्यादा मिट्टी लेते हैं उस हिसाब से थोड़ा ज़्यादा रेत ले लीजिए, अगर मिट्टी ज़्यादा चिकनी है तो। मेरी मिट्टी में पहले से ही इसमें थोड़ा सा रेत मिक्स है, इसलिए मैं थोड़ा कम भी ले रही हूँ। तो इस तरह से इसमें थोड़ा सा ये रेत मिला लें। दोस्तों, ये आसानी से मिल जाता है जहाँ पर, अगर आसपास भी आप कहीं पर देखें तो जो नदी में से रेत निकलता है, रेतीला होता है, वो ही रेत है ये। तो इसको मिलाने से मिट्टी पोरस हो जाती है। इसमें ये वर्मी कंपोस्ट है, आप देख लीजिए। वर्मी कंपोस्ट हमें इतना लेना है जिस हिसाब से हमारी मिट्टी हो, यानी कि उसका 30% 40% हम ले लें। वर्मी कंपोस्ट मिलाने के बाद ये मिट्टी वैसे परफेक्ट है अगर हम और किसी भी पौधे को लगाना चाहते हैं तो। लेकिन गुलाब के लिए हमें इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी डालना पड़ेगा जो मैं आपको बताऊंगी। अगर हम कोई और पौधा लगा रहे हैं तो उसके लिए, अगर आप इतने ही ये सब तीन चीज़ें मिक्स कर कर ही पौधा लगाते हैं तो बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। इसके अलावा मैं इसमें डाल रही हूँ ये मस्टर्ड केक का पाउडर, थोड़ा सा। अगर सरसों की खल वाला जो ये पाउडर है, इसको आप मिट्टी में भी मिक्स कर सकते हैं। इसका फर्टिलाइज़र तो देते ही हैं हम, लिक्विड बनाकर मिट्टी में मिक्स करने से भी सही रहता है। थोड़ा सा इसको मिला लेंगे, अगर ये नहीं है तो आप नीम की खल जो होती है, नीम की खली, वो भी थोड़ा सा मिला सकते हैं, वो भी अच्छी रहती है। तो इसको मिलाने के बाद मैं इसमें मिलाऊंगी थोड़ा सा बोन मील। दोस्तों, मैं वैसे किसी भी और बाकी के जो मेरे प्लांट्स हैं उनमें बोन मील का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, सिर्फ गुलाब में ही करती हूँ। आप मानेंगे नहीं, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट भी मुझे मिले हैं, इसीलिए मैं करती हूँ। बालकनी में अगर मुझे फूल चाहिए तो मुझे कुछ गुलाब के लिए कुछ तो एक्स्ट्रा फूड देना ही होगा, तो केमिकल फर्टिलाइज़र मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ, इसलिए मैं बोन मील का इस्तेमाल कर लेती हूँ गुलाब में। सिर्फ गुलाब की जो मिट्टी है उसमें मैं बोन मील इस्तेमाल करती हूँ, और इसके रिज़ल्ट आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे मिलेंगे। आप हर 15 दिन में इसको गुड़ाई करके गमले में भी डालें जब गुलाब को आप फर्टिलाइज़र दें, और मिट्टी बना रहे हैं तो मिट्टी में भी मिक्स कर लें, तो गुलाब के लिए बहुत ही अच्छे इससे आपको रिजल्ट मिलेंगे। बहुत ही 15, अगर आप देखेंगे तो 10-15 दिन में ही बिल्कुल ख़राब गुलाब में भी नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और बहुत अच्छी कलियाँ आएंगी, फूल भी बड़े बड़े आएंगे। तो केमिकल फर्टिलाइज़र से अच्छा है कि हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही यूज़ करें। तो आप इसको, इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद इस मिट्टी में आप गुलाब के पौधे को लगाएं। अगर आपके पुराने पौधे हैं तो आधी मिट्टी निकाल लें गुलाब की, और उसमें फिर ये नई मिट्टी डालें, तो फिर आपको ज़रूर रिज़ल्ट मिल जाएगा। 15 दिन में ही आप फिर बताइए आपको कितने अच्छे कैसे रिज़ल्ट मिले हैं। मैं इस ये आजमाई हुई चीज़ बता रही हूँ आपको, क्योंकि मैं जो भी बताती हूँ वही ज़्यादा मैं आपको बताती हूँ जिसको मैंने यूज़ कर लिया है पहले।
तो ये बिल्कुल मेरे जो बिल्कुल ऐसे गुलाब थे कई पिछले साल के, जिन पर बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही थी, वो भी उन पर भी कलियां आने लगी हैं, उन पर भी फूल आ रहे हैं और बालकनी में भी फूल खिल रहे हैं। तो वो इसका यही कारण है कि मैं यही इस तरह की मिट्टी बदल देती हूँ ऊपर से, आधे गमले को खाली करके, और जो 15 दिन में मस्टर्ड के एक जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो, या फिर बोन मील, थोड़ा सा महीने में एक बार थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए। गुलाब को थोड़ा एक्स्ट्रा फूड की ज़रूरत है होती है, तो इन सब चीज़ों को मिक्स करके आप बदल बदल के 10 दिन में 10 दिन में फर्टिलाइज़र देते रहे पूरे सर्दियों के मौसम में। गर्मियों में आप इसको भले ही इतना फर्टिलाइज़र ना दें, क्योंकि गर्मी में इस पर फूल ज़्यादा खिलते ही नहीं है, सर्दियों में आपको इसको अच्छा फर्टिलाइज़र देना है और अच्छी मिट्टी बनाकर उसमें इसको लगाना है, ताकि इसके अच्छे फूल आप पा सकें। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।